हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशियंट के बारे में, और साथ में हम डिस्कस करेंगे लेटरल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन कोफिशियंट के बारे में। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जितनी भी आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो हमारा जेई या एई का हो, तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। साथ में अगर आप डिप्लोमा या बीटेक के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो थ्योरी पर्पज से भी ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हमें थ्योरी लिखने को मिलती है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और साथ में डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशियंट कैसे स्पीड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करेगा। इस लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप जिस सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं वो अगर हमारी ड्राई पेवमेंट है, यानी सड़क सूखी हुई है, तो गाड़ी के टायर पुराने और नए होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशियंट पर, यानी किस केस में लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशियंट ज़्यादा जनरेट होगा और किस केस में कम जनरेट होगा। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में। आप देख रहे हैं इन दोनों टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन या लेटरल फ्रिक्शन, इसमें एक वर्ड कॉमन है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको जान लेते हैं कि फ्रिक्शन आखिर क्या होता है, ताकि सभी टॉपिक को समझने में हमें काफ़ी मदद मिले। आप जानते हैं कि मान लीजिए आप किसी सड़क पर आप चल रहे हैं और आप एक साइकिल को चला रहे हैं, और आप साइकिल चलाते हुए उस पैडल जो आप लगा रहे हैं उस पैडल लगाना आप बंद कर देते हैं, तो आप देखते हैं कुछ दूरी बाद साइकिल ऑटोमेटिकली जाके आगे रुक जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइकिल के टायर की सरफेस और रोड सरफेस के बीच में एक ऐसा बल लग रहा है जो होने वाली गति का विरोध करता है या उसको रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बिना पैडल लगाए कुछ दूरी बाद साइकिल हमारी रुक जाती है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक फोर्स है, और ऐसा फोर्स है जो दो सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को, यानी दो सरफेस के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं कि फ्रिक्शन, जिसे हम घर्षण के नाम से जानते हैं, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति का विरोध करता है। अब हम ये भी जानेंगे कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, कि जिस डायरेक्शन हम चल रहे हैं उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे अगर इस साइकिल की जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, साइकिल की अगर मूविंग डायरेक्शन, इस दिशा में गाड़ी अगर हमारी साइकिल चल रही है तो उसकी फ्रिक्शन की दिशा हमारी क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये तो बात हुई, हम छोटे से पॉइंट के साथ हमने जाना कि फ्रिक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अब इस डायग्राम को आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक सड़क का डायग्राम दिखाया गया है, और इस सड़क पर एक गाड़ी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक व्हीकल यहाँ पर चल रहा है। अब सड़क की लंबाई की दिशा में, ध्यान समझना है, हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में, कि सड़क की लंबाई की दिशा में इस सड़क और गाड़ी के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोड की लंबाई की दिशा में, यानी अलोंग द रोड, रोड और गाड़ी के टायर के मध्य लगने वाले यानी उत्पन्न होने वाले फ्रिक्शन को ही हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हमारा क्या होता है। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हमारा का अमाउंट, यानी कितने अमाउंट का हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा, कितना कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान समझेंगे सभी पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू वैल्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पर, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पर, फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। यानी हमने ये सीखा कि रोड की सरफेस और गाड़ी के टायर के बीच में जो हमारा लंबाई की दिशा में जो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हमारा कितना उत्पन्न होगा इस बात पर डिपेंड करता है, किस पर, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पर। अब हमें ये जानना है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कब ज़्यादा उत्पन्न होगा और कब कम उत्पन्न होगा। जब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होगा
तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और किसी केस में अगर हमारा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक, किसे हिंदी में हम कहते हैं कि अगर हमारा घर्षण गुणांक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घर्षण गुणांक, कि अगर किसी केस में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कम डेवलप होगा, कम जनरेट होगा, तो उस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमारी कम होगी। ठीक है, क्या इससे हमें क्या बेनिफिट और क्या डेरिवेटिव देखने मिलेंगे वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं हम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी अब सारी बात ये आई कि हमारा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है। तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल यानी गाड़ी की स्पीड पर, कॉमा रोड टाइप यानी कि रोड पेवमेंट टाइप यानी रोड का जो पेवमेंट है वो हमारा ड्राई है, सूखा है या गीला है, रोड पेवमेंट टाइप पर, और साथ में हम डिस्कस करेंगे और किस पर डिपेंड करती है, और एंड टायर कंडीशन, टायर कंडीशन गाड़ी, जिस गाड़ी पर आप बात कर रहे हैं उसकी टायर की कंडीशन कैसी है। तो हमने जाना कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है पेमेंट के टाइप पर, स्पीड ऑफ व्हीकल पर, और हमारे टायर की कंडीशन पर। अब जानते हैं कि स्पीड ऑफ व्हीकल पर कैसे डिपेंड करता है। तो IRC ने हमें रिकमेंड किया है कि जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो सबसे पहला एक स्टेटमेंट यहाँ पर कॉमन स्टेटमेंट है, इसको ध्यान दें कि जैसे जैसे हमारी स्पीड ऑफ व्हीकल जो है, स्पीड ऑफ व्हीकल अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू हमारी होगी वो कैसी होती, डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी क्या होगी, एरो डाउन, एरो किसको डिनोट कर रहा है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड हम बढ़ाते चले जाएंगे, इंक्रीज हो करते चले जाएंगे, वैसे वैसे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। कैसे, कुछ वैल्यूज के आधार पर हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई गाड़ी हमारी 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हमारी चल रही है, कितनी 20 से 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ जो भी स्पीड मैं लिखूंगा वो किलोमीटर पर आवर में होगी, क्लियर है। तो 20 से 30 पर चल रही है तब कितनी हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, 40 पर कितना जनरेट होगा, 50 पर कितना जनरेट होगा, 60 किलोमीटर पर आवर पर कितना जनरेट होगा, एंड 65 किलोमीटर पर आवर पर कितना जनरेट होगा, एंड 85 एंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हमारा कितना हमारा फ्रिक्शन जनरेट होगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे 0.35 एंड 0.36 एंड 0.36 0.37 0.38 एंड 0.40, ध्यान समझिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हम देखते हैं कि जितने भी आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या आप अगर कोई थ्योरी लिखना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट थ्योरी आप लिखते हैं यहां पर, इस टॉपिक को अगर आप कंसीडर कर लेते हैं तो यह इस टेबल से आप देखकर क्या समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, आप देख पा रहे होंगे, वैसे वैसे हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कम होती चली जाएगी, क्लियर है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर कि स्पीड ऑफ व्हीकल अगर इंक्रीज होगी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट में आपको क्या लिखना है कि IRC के अनुसार ये एक इम्पॉर्टेंट है, IRC के अनुसार यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार अगर हम बात करें तब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफ लॉन्गिट्यूडनल, समझ लेना आप इसको, ठीक है ना, एफ लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू जो हमारी है 0.35 से कितने 0.40 तक होती है, ठीक है, लेकिन डिज़ाइन पर्पज से, अगर हम रोड का डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन के लिए, रोड डिज़ाइन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, डिज़ाइन के लिए 0.35 कोफिशियंट फ्रिक्शन हम लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हम कंसीडर करते हैं, क्लियर है।
चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके कॉन्टैक्ट एरिया के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 0.35 से 0.40 तक। डिज़ाइन पर्पज के लिए कितना यूज करते हैं? 0.35। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारी कॉन्टैक्ट एरिया रोड एंड टायर पर कैसे डिपेंड करेगी। तो देखें कि इन केस ऑफ ड्राई पेवमेंट, यानी अगर आपकी सड़क कैसी है, सूखी है, अगर आपकी सड़क कैसा है, सूखा पेवमेंट है, सूखी अगर सड़क है, उस केस में देखिए, उस केस में अगर आपके टायर पुराने हैं, तो अगर टायर पुराना है, आप देखिए, सोचिए कि आप जब नया टायर लेके आते हैं तो उस टायर में कुछ जिगजैग कंडीशन, कुछ खाली जगह भी होती है। जैसे आप ट्रैक्टर का टायर देखिए, किसी फोर व्हीलर का टायर देखिए, जब न्यू टायर होता है, या साइकिल का टायर देखिए, तो जब न्यू टायर होता है तो उसकी जिगजैग हमारी उसके ऊपर सरफेस रहती है, ऊबड़ खाबड़ जगह रहती है। लेकिन जब टायर हमारा पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमारा घिस जाता है, यानी कि वो उसकी जो सरफेस एकदम चिकनी हो जाती है और वो गंजा टाइप का हो जाता है ना। तो ओल्ड टायर अगर है तो क्या होगा, देखें, ओल्ड टायर यानी कि घिसा हुआ होगा, क्लियर है ना, घिसा हुआ होगा। तो ओल्ड टायर अगर घिसा हुआ है तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट एरिया की हम बात करें, कॉन्टैक्ट एरिया किस किस के बीच में, रोड एंड टायर के बीच में यहाँ पर बात हो रही है। तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा या घटेगा, सोचिए, बढ़ेगा हमेशा, है ना, क्योंकि अगर टायर हमारा पुराना है तो टायर कैसा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, ठीक है। टायर की सरफेस कैसी हो जाएगी, एकदम चिकनी हो जाएगी, तो वो सड़क पर ज़्यादा एरिया के कॉन्टैक्ट में आएगा, सड़क पर ज़्यादा हमारा कॉन्टैक्ट में रहेगा पूरे टायर का एरिया, क्लियर है ना, क्योंकि टायर कैसा है, वो घिसा हुआ है, टायर घिसा हुआ है तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो गया। अब कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने पर क्या होगा, हमारा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा जेनरेट होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर सड़क सूखी हुई है तो, अगर गाड़ी का टायर पुराना है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यानी अगर आप ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी बहुत कम दूरी पर जाकर रुकेगी, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशियंट जो है वो हमारा बढ़ गया है, और फ्रिक्शन कोफिशियंट जब बढ़ जाता है तो ब्रेक मारने पर गाड़ी जल्दी रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। फ्रिक्शन करता ही क्या है, फ्रिक्शन हमारी जो गाड़ी की मूवमेंट हो रही है उसको रोकने का प्रयास करता है, तो वो तो और बढ़ गया, यानी फ्रिक्शन ऑफ कोफिशियंट बढ़ गया तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वो क्या काम करता है, हमारी जो होने वाली मूवमेंट है उसका विरोध करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है, तो गाड़ी हमारी जल्दी रुक जाएगी, क्लियर है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर हमारा सड़क सूखी हुई है, टायर नया है, तो इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि हम एक ही चीज़ कंसीडर कर रहे हैं, दोनों केस में सड़क सूखी हुई है लेकिन टायर अगर पुराना है तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा रोड और टायर के बीच में, इन टायर हमारा रोड पर एकदम बिल्कुल चिपक कर चलेगा, ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, और ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा जनरेट होगा, ब्रेक मारने पर गाड़ी हमारी जल्दी रुक जाएगी। अब बात करें न्यू टायर केस में, कि अगर आप गाड़ी सूखी सड़क पर ही चल रही है, ड्राई पेवमेंट पर चल रही है, लेकिन नए टायर हैं, तो इसका उल्टा कर देते हैं बिल्कुल, नया टायर क्या हुआ है, घिसा हुआ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, टायर में गैपिंग होगी, और गैपिंग अगर होगी तो क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्ट एरिया मतलब संपर्क जो एरिया है सड़क के साथ, तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट एरिया कम होने पर हम देखेंगे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी कैसा हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्लियर है। तो सूखी सड़क के केस में हमने देखा कि कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, गाड़ी जल्दी रुक जाएगी ब्रेक मारने पर, ऐसा आप कभी अनुभव भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, न्यू टायर अगर आपका है तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम जनरेट होगा, यानी गाड़ी अगर आप ब्रेक मारेंगे थोड़ा आगे जाकर रुकेगी इसके कंपेरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप अगर गीली सड़क पर आप चल रहे हैं, जो कि सबसे खतरनाक सिचुएशन भी मानी जाती है, हमें अक्सर बोला जाता है कि गीली सड़क पर हमें गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए, आखिर हमसे क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गीली सड़क पर टायर और जो हमारा टायर है, टायर और सड़क के बीच में
पानी एक लुब्रिकेशन मटेरियल के तौर पर काम करता है, यानी कि चिकने पदार्थ की तरह काम करने लगता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि हमें अक्सर बोलते हैं कि गीली सड़क पर गाड़ी हमें धीमे चलानी चाहिए। उसका कारण ये है कि जो पानी है सड़क पर, जो पानी अवेलेबल है, वो रोड के गाड़ी के टायर और रोड के बीच में एक चिकने पदार्थ की तरह, लुब्रिकेटिंग मटेरियल की तरह वो काम करता है। तो अब वहाँ पर हम समझें कि अगर गाड़ी, अगर हमारा वेट पेवमेंट है तो क्या होगा। देखें तो टायर कैसा है, ओल्ड है। ओल्ड टायर है तो कैसा हुआ, होगा घिसा हुआ होगा। तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया है तो जो पानी हमारी सड़क और गाड़ी के टायर के बीच में चिकने पदार्थ का काम कर रहा है वो ज़्यादा, हमारा चिकने पदार्थ है, लुब्रिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखें लुब्रिकेशन जो है, लुब्रिकेशन किसके कारण होगा हमारा, लुब्रिकेशन ड्यू टू वाटर यानी पानी के कारण जो हमारा लुब्रिकेशन होगा वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना। अब गाड़ी का हमारा इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया कि देखें दोबारा समझते हैं कि अगर सड़क गीली है तो पुराना, अगर टायर है, पुराना टायर होगा तो घिसा हुआ होगा, और घिसा हुआ टायर है तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो मैंने जैसे कि बताया कि पानी हमारा एक चिकने पदार्थ की तरह काम करेगा, तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया है तो ज़्यादा चिकनापन पूरे टायर पर रहेगा, तो लुब्रिकेशन ड्यू टू वाटर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ गया। अब लुब्रिकेशन अगर बढ़ जाता है, चिकनापन अगर बढ़ जाएगा तो गाड़ी पर अगर हम ब्रेक मारेंगे तो बहुत आगे जाकर वो रुकेगी, क्योंकि लुब्रिकेशन ज़्यादा हो रहा है, चिकनापन गाड़ी के टायर सड़क के बीच में ज़्यादा हो गया है तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब ब्रेक जब मारते हैं तो गाड़ी आगे जाकर रुकेगी, काफ़ी आगे जाकर। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फ्रिक्शन और कोफिशियंट की वैल्यू हमारी घट चुकी है, यानी घर्षण गुणांक हमारा घट गया है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं कि अगर हमारे नए टायर हैं, तो अगर गाड़ी में नया टायर है तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। कॉन्टैक्ट एरिया कम है यानी टायर के बीच में गैपिंग है, तो लुब्रिकेशन जो होगा जहाँ जहाँ गैपिंग है उसमें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सड़क और गाड़ी का टायर जहाँ हमारा क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में है, वहीं तो पानी चिकने पदार्थ का काम कर सकता है। तो इसका मतलब हमारा लुब्रिकेशन ड्यू टू वाटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लुब्रिकेशन ड्यू टू वाटर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इसके कंपैरिजन में, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो तभी कहा जाता है कि अगर हमारी गाड़ी पर, अगर जिस गाड़ी पर हम सवार हैं, जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं, तो हमेशा बारिश के दिनों में गाड़ी के टायर कैसे ज़्यादा अगर घिस जाते हैं, तो हमें यही रिकमेंड किया था कि हमें नए टायर लगवाने चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आपको ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलना चाहिए कि जब सड़क हमारी गीली हो, क्योंकि पानी जो है लुब्रिकेशन काम करने लगता है। लेकिन फिर भी नए टायर को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि नए टायर केस में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ब्रेक मारेंगे तो हमारी गाड़ी क्या होगी, जल्दी से रुक जाएगी, क्योंकि अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो गाड़ी हमारी जल्दी से रुकना हो ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया क्या कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन क्या होता है, फिर लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशियंट क्या है, किस किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी। अब हम बात करेंगे लैटरल फ्रिक्शन के बारे में। तो लैटरल फ्रिक्शन क्या है, अब आप इस डायग्राम को देखिए कि मान लीजिए कोई कर्व आया है, यहाँ पर कोई कर्व है, सीधी सड़क पर हम चल रहे थे, लेकिन सीधी सड़क पर चलते हुए हम किसी पर आ गए, किसी मोड़ वाली सड़क पर आ गए, कर्व पर आ गए। तो जब कर्व पर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कैसे चलनी चाहिए थी, गाड़ी हमारी ये कोई व्हीकल है ब्लैक कलर का, वो चलना इस दिशा में चाहिए था, ठीक है ना। कभी कभी हम क्या देखते हैं, गाड़ी जो है वो क्या करती, चलते चलते बहुत हाई स्पीड में जब होती है तो चलते हुए वो इस दिशा में लैटरल डायरेक्शन में, ये हमारी कौन सी है, लैटरल डायरेक्शन, इधर हमारी गाड़ी ऐसे चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना चल के वो फिसलती जाती है इस दिशा में, और फिसलते फिसलते गाड़ी हमारी यहाँ पहुँच जाती है। ये कुछ सिचुएशन दिखाई गई है गाड़ी के फिसलने की, ठीक है। तो अब गाड़ी हमारी लैटरल डायरेक्शन फिसल रही है, तो जब गाड़ी लैटरल डायरेक्शन फिसलती है तब उस कंडीशन में
सड़क पर जब गाड़ी लैटरल डायरेक्शन में चलती है तो सड़क के टायर और सड़क के बीच में सॉरी रोड के जो गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है वो हमारा लॉन्गिलैटरल फ्रिक्शन कहलाता है, और जो कोफिशियंट होगा उसे हम लैटरल फ्रिक्शन कोफिशियंट कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको कि जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पर चलता है यानी किसी भी मोड़ पर चलता है तब कभी कभी व्हीकल लैटरल डायरेक्शन में चला जाता है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब हमारा आप जानते हैं कि जब कोई भी सड़क पर हम कर्व पर हम चलते हैं तो गाड़ी पर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, इसकी डायरेक्शन होती है आउटवार्ड डायरेक्शन। कैसे होती है, आउटवार्ड डायरेक्शन में क्या लगता है हमारा, तो देखें किसी भी गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है यानी बाहर की तरफ खींचने वाली प्रवृत्ति होती है इस बल की जब कोई गाड़ी हमारी कर्व पर चल रही होती है। तो इसलिए ये गाड़ी हमारी लैटरल डायरेक्शन मूव करने के प्रयास करेगी, तो अगर मूव कर रही है तो लैटरल डायरेक्शन में गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वही हमारा लैटरल फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पर चलता है तब कभी कभी व्हीकल लैटरल डायरेक्शन में चला जाता है, किसकी वजह से, हमारे या तो बहुत कम रेडियस है उसकी वजह से भी, या फिर हमारा सेंट्रिकल फोर्स हमारा लैटरल डायरेक्शन लगता है उसकी वजह से भी हमारा जा सकता है। ठीक है, तब लैटरल डायरेक्शन में रोड व टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल फ्रिक्शन हम कहते हैं। क्लियर है, लैटरल फ्रिक्शन कहते हैं, और लैटरल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हम 0.15 हम कंसीडर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। उम्मीद है कि अगर आपने लेक्चर बिना स्किप करे देखा होगा, पूरे पॉइंट्स आपने सुने होंगे, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस ना किया हो, सारी बात उसके बारे में ना बताई हो। उम्मीद है कि लेक्चर अगर आपने बिना स्किप करे देखा है तो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा की हुई मेहनत पूरी आप तक ट्रांसफर हुई होगी, आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिला होगा। अगर आपने वीडियो स्किप की है तो कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए जो भी वीडियो इस चैनल पर आप अगर देखते हैं तो आप कंटिन्यू वॉच किया करें, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आती है, पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करके उनको हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबाइए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।